अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 55वां प्रांत अधिवेशन प्रारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 55वां प्रांत अधिवेशन का आगाज वंदे मातरम में ध्वजारोहण के साथ आजाद पार्क में हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। शेखावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारत अभी सम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मंत्री ने बताया कि युवा शक्ति को राष्ट्र भर में जागृत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत एवं हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से लेते हैं इस कार्यक्रम? देखिए, देश पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि बदल रहा है और भारत एक संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जब कोई भी देश, समाज, संस्थान इस तरह के दौर से गुजरता है, उस समय युवाओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना के समय से ही इस विश्वास के साथ में कि देश में और समाज में यदि परिवर्तन लाना है और सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो वो युवाओं के माध्यम से ही आ सकता है, और इस संकल्प के साथ में कि इस परिवर्तन को लाने के लिए युवा शक्ति को राष्ट्र भर में जागृत करना है, पूरे देश भर में छात्रों के संगठन के रूप में काम करता है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के साथ में मुझे भी सौभाग्य से काम करने का अवसर मिला। विद्यार्थी परिषद के साथ में जो जुड़ाव था, छात्र संघ का अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के बैनर पर बनने और काम करने का अवसर मिला। विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन है, मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में किस तरह से युवाओं की भूमिका और ज़्यादा प्रासंगिक होगी, इस विषय पर युवाओं से बातचीत करने का आमंत्रण था और इसी के निमित्त मैं आज यहाँ आया। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो युवाओं को किस तरह की जानकारी आप देंगे, किस तरह से आप? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में एक चर्चा की है कि विवेकानंद जी ने कहा कि युवा कौन है। युवा वो है जो केवल वय से नहीं, एनर्जी से भरा हुआ और डायनेमिक है, और ऐसा युवा ही परिवर्तन ला सकता है, ऐसा युवा ही परिवर्तन का जो है वाहक बन सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बात का उल्लेख करते हुए क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि ये जो देश में जो सामने दिखाई देने वाला परिवर्तन है, ये युवाओं के माध्यम से ही संभव होगा। आज देश दो दिशाओं में बंटा हुआ नजर आ रहा है, मतलब तो इसको लेकर आप क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि देश तो एक ही दिशा में है, देश के लोग भी एक ही दिशा में हैं। लोकसभा के चुनाव में देश के लोगों ने जो दिशा है उस दिशा को तय कर दी है, लेकिन तथाकथित अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके लोग और पार्टियाँ उसको बचाने के लिए जिस तरह से देश को बांटने का षड्यंत्र कर रही हैं,
अफवाहें फैला करके देश में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, समाज मुझे लगता है कि इस बात को समझ चुका है और युवाओं की इस क्षेत्र में भी भूमिका अपेक्षित है कि वो इस तरह के लोगों को बेनकाब करें, उस तरह के लोगों को समाज के सामने नंगा करें और उनकी हकीकत को जो है वो समाज के सामने लेकर के आए। राजस्थान सरकार भी खुद सड़क पर है, ऐसी स्थिति भी आ रही है। मुझे लगता है कि वो उनकी नियति सड़क पर रहने की है। कोटा में 77 मौतें पिछले 10 जो है एक महीने में हुई है और उसके बाद में भी वो जो है उस पर बात करने के बजाय लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है जिसके बारे में वो खुद कभी चर्चा किया करते थे, आज जब मोदी जी ने वो एक्ट बना दिया है, ऐसे लोग जो पीड़ित थे, जो धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर जिनके साथ जिनका शोषण हो रहा था, जिनको दबाया कुचला जा रहा था, स्वधर्म का पालन करने के केवल आकांक्षा के निमित्त अपने बहू बेटियों की इज्जत बचा करके जो लोग भारत में आए हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए जो बिल लाया गया, जो कानून बनाया गया, आज उसको लेकर के किस तरह की जो है प्रवंचना वो देश भर में कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसी यही आवश्यकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में ऐसे दोगले लोगों को बेनकाब किया जाए। सर, एक निश्चित वर्ग एक बाहर निकल कर आया, इसके अलावा कोई वर्ग बात नहीं आया, तो इसके उन ऐसे अल्पसंख्यकों को समझाया जाने की आवश्यकता है। उनको जिस तरह से भड़काया गया है, उनको जिस तरह से उनके मन में भ्रम पैदा किया गया है कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बन जाने के बाद में देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जो है सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ेगी, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप लेने का बिल नहीं है, वो तो देने का बिल है। उसमें किसी भी की भी सिटीजनशिप का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है सर। और उसके बाद में भ्रम फैलाने की समस्या सिर्फ यहाँ तक समाप्त नहीं हुई, उसके बाद में कि ऐसे सारे लोगों को जो है चिन्हित करके बाद में डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उनके पूजा के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, उनके बैंक खाते फ्रीज सीज कर लिए जाएंगे, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसी भ्रम फैला करके एक बार शायद लोगों को उकसाया जा सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे हकीकत जब लोगों को पता चलने लगी है, मुझे लगता है कि ये उल्टे बांस बरेली को उन्हीं को पड़ने वाला है। प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनका पुलिस पर कि गला दबाकर और धक्का देकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। देखिए, न तो मैंने देखा है न मैंने सुना है, इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये लोग काफी आंदोलित हैं। स्पष्ट है, जो कोई भी व्यक्ति देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, देश में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाने के लिए काम करेगा, ऐसे उत्तरदायी लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये समाज भी मांगता है और देश भी मांगता है।